सामने हाजिर है जाना माना खतरनाक समुद्री लुटेरा कई जुर्मों का अपराधी कैप्टन जैक स्पैरो। कितनी बार कहूं मेरा नाम गिब्स है जोशेमे गिब्स कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को मुकदमे का फैसला सुनाने के लिए अदालत में तशरीफ ला रहे हैं जनाब स्मिथ। शांत हो जाइए। हाँ जी, क्या चल रहा है भैया? जैक चुप हो जाओ। बोलने दो से फिर मारना। क्या कह रहे थे भैया? जैक स्पैरो नहीं है मेरा नाम, मेरा नाम है जोशेमे गिब्स। अच्छा तो ये बात है, पर यहाँ तो जैक स्पैरो लिखा है। मैंने कहा इनसे मैं जैक स्पैरो नहीं हूँ, उसे तो मैं अदालत के सामने पहचान ही लूँ अगर वो मेरे सामने आ जाए तो। पहचानने की कोशिश मत करना बुड़ाऊ, क्योंकि तुम्हें अपनी आंखों से खड़ा हाथी भी ना दिखे। बुड़ाऊ का कहना है कि वो जैक स्पैरो नहीं है। आप सबका क्या फैसला है? मुकदमे के बिना हम कैसे फैसला कर सकते हैं? ओ भाई, आपका फैसला दोषी? दोषी की सजा तो फांसी है। दोषी? मेरे साथ गलत हो रहा है। शांत हो जा। जोशेमे गिब्स, अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम्हें महान जैक स्पैरो समझना भारी गलती थी। तुम्हारी सजा कम करते हुए ऐलान जारी करता हूं कि तुम्हारी बची बेहुदा मुर्दैल मच्छर जैसी मरियल जिंदगी काल कोठरी में कटे। ठोक दो। कैदी को लंदन टावर तक ले जाने का तुरंत इंतजाम किया जाए। बस हो गया भैया। शुक्रिया।